हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीकॉम क्या होता है, इसे करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसे कैसे करें, इसे करने के बाद कौन कौन से आप और कोर्स कर सकते हैं, इसे करने के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हैं, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि बीए क्या होता है, 11th में जो बच्चे आर्ट लेते हैं उनका पहला विकल्प बीए होता है, उसी प्रकार 11th और 12th में जो बच्चे कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं उनका पहला ऑप्शन होता है बीकॉम। तो बीकॉम एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होती है जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, या एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि बीकॉम में प्रवेश कैसे मिलेगा। यदि आपने सफलतापूर्वक 12th कॉमर्स पास कर लिया है तो आप बीकॉम में एडमिशन लेने के पात्र हैं। सामान्यतः बीकॉम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाती, लेकिन अगर आप देश के कुछ माने जाने कॉमर्स के कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम को से गुजरना होगा। इसके साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी में आपके 12th के नंबर के आधार पर प्रवेश मिलता है। तो आप कोशिश करें कि 12th में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो आइए बात कर लेते हैं कि बीकॉम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। बीकॉम में एक अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स है जिसमें निम्न विषय होते हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। पहला होता है बुकिंग, दूसरा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, बिजनेस लॉ, बैंकिंग, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब विषयों को आप वहां जाके चूज़ कर सकते हैं। ये सब बीकॉम में होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं बीकॉम करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। बीकॉम करने के कई सारे फ़ायदे हैं जिसमें सबसे बड़ा तो ये है कि आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं। बीकॉम एक स्नातन पाठ्यक्रम में है जिसे करने के बाद आप उच्च शिक्षा जैसे एमकॉम, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सों में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। तो आप आसानी से अकाउंटिंग या किसी अन्य जॉब को आसानी से कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीकॉम करने के बाद आप सीए जैसे बड़े कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीकॉम करने के बाद क्या करें या इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यह एक बड़ा सवाल है जिसमें से कई लोगों को मन में यह सवाल आता है कि बीकॉम तो हम कर ले, लेकिन इसके बाद हमें क्या करें। तो प्रतियोगी पहला जो हमारा है प्रतियोगी परीक्षा। बीकॉम के बाद आप ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है, इसके माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस आज की तैयारी में करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। उच्च सेकेंड नंबर पे हमारा आता है उच्च परीक्षा। बीकॉम के बाद आप एमकॉम, एमबीए जैसे कोर्सों को करने के लिए आपके पास योग्यता मिल जाती है, जिसे करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से जॉब मिलने वाले हैं। तो बीकॉम के बाद आप प्राइवेट जॉब जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ऑफिस असिस्टेंट आज जैसे कई सारे जॉब प्रोफाइल आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप naukri.com जैसे वेबसाइट पर अपना रिज्यूम अपलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं बीकॉम से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। यह कोर्स 3 साल का होता है। बीकॉम प्लान, बीकॉम टैक्स, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम ऑनर आज जैसे ऑप्शन होते हैं। बीकॉम करने के बाद आपको अकाउंटेंट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंट के बारे में। आप इसे रेगुलर या प्राइवेट दोनों तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीकॉम कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज से भी आप बीकॉम कर सकते हैं। इस कोर्स को फीस तकरीबन 15,000 से प्रतिवर्ष से शुरू होती है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जाते हैं, कौन से कॉलेज से आप बीकॉम करना चाहते हैं, उस हिसाब से
आपकी फ़ीस होगी। आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीकॉम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि बीकॉम क्या होता है, इसे कैसे करें, इन सब के बारे में पूरे डिटेल पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।